हिंदुस्तान में मोमो का पहला बलि, इसके बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ। तो आइए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, यह हमारा मिशन है। हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी लोग आते हैं जिनको मानसिक बीमारी है, नशेखोर लोग आते हैं, उनको हम भर्ती करते हैं, दाखिल करते हैं, और बिना रिश्तेदार भर्ती करके, रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करके उनका इलाज करते हैं। अभी अभी पढ़ने में आया है कि मोमो ये जो गेम है, ये मेक्सिको, अर्जेंटीना, फ्रांस, जापान, अमेरिका, यह देशों को उसने टारगेट किया हुआ है। और इसके ऊपर जो नंबर आते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर नंबर आता है, और वो नंबर जो है वो जापान, मेक्सिको, कोलंबिया, ये देशों का ऐसा मालूम पड़ता है। ये गेम है व्हाट्सएप का, मोमो बोले तो एक गेम है व्हाट्सएप का। और वो गेम में व्हाट्सएप के ऊपर एक पहले मैसेज आता है, उसका जो डीपी है व्हाट्सएप का, उसके ऊपर एक महिला का चित्र, विचित्र महिला का चित्र है वो। ये व्हाट्सएप ग्रुप, ये व्हाट्सएप नंबर जो है, ये व्हाट्सएप नंबर में उसकी जो डीपी है, वो डीपी पे जापानी चित्रकार मिदोरी हायाशी, इसने जो चित्र निकाला हुआ है लेडी का, ऐसा वो बहुत ही ऐसी खतरनाक दिखने वाली लेडी है ना, तो उसका चित्र निकाला है, तो वो चित्र आता है। और उसके साथ साथ फिर कोई मैसेजेस आते हैं। अभी अर्जेंटीना में उसका पहला मृत्यु हुआ, मतलब एक लड़की 12 साल की अर्जेंटीना में मर गई, उसने खुदकुशी कर ली। अजमेर में अभी हमारे देश में एक लड़की 10वीं क्लास में पढ़ने वाली, उसने खुदकुशी कर ली अपने नस काट के। क्या होता है कि 10-12 साल, 13 साल के बच्चों को मोबाइल देना भी आजकल बहुत कॉमन हुआ है। पालक अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं, मोबाइल में बच्चे खेलते रहते, अलग अलग गेम्स खेलते रहते, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट यूज़र्स काफ़ी अभी बड़े हैं, और यूट्यूब देखते हैं, उसके ऊपर वो उनको मैसेज आ जाता है। अब मैसेज आने के बाद में नेचुरली वो मैसेज ओपन कर लेते हैं, और वो मैसेज में फिर अलग 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 टास्क दिए जाते हैं। और मोमो तक आपको यदि पहुंचना है तो आपको ये टास्क पूरे करने पड़ेंगे, ऐसा बोला जाता है। यूजुअली 10 से 18 साल के बच्चों को इसमें टारगेट किया जाता है। अब वो व्हाट्सएप पे नंबर आया, मतलब वो जो व्हाट्सएप का नंबर है वो आपके मोबाइल में आया, वहाँ कुछ टास्क दिया हुआ है। अब बच्चा खेलते खेलते वो नंबर उसको दिखा, तो वो टास्क उसको पूरा करता है, क्योंकि उसको मोमो तक पहुँचने का है। फिर वो टास्क पूरा हो गया कि उसको अच्छा लगता है, टास्क पूरा करने के बाद में उसको वीडियो भेजना पड़ता है कि वो टास्क पूरा किया। फिर नया टास्क आता है, फिर वो टास्क पूरा करो, वीडियो उसका निकाल के दे दो। तो पहले शुरू में एकदम सिंपल सादे टास्क रहते कि जो फटाफट वो बच्चा पूरा करते रहता है, और वो पूरा करने के बाद में फिर टास्क कठिन हो जाते हैं, और सबसे आखिरी का टास्क जो है वो है कि अभी खुदकुशी कर लो, मर जाओ, ताकि आप मोमो को मिल जाएंगे। अभी जब वो करता नहीं, पहले शुरू में टास्क मजा आती है, वो जब टास्क पूरे करता नहीं तो फिर थ्रेट किया जाता है, धौस मारी जाती है, या कोई चित्र ऐसे अलग अलग आते हैं कि उससे बहुत डरावना बच्चा हो जाता है, और वो टालने के लिए फिर वो टास्क पूरे करते जाता है। तो शुरू में जो मजा आती है, बाद में वो मजा निकल जाती है, मगर अभी डर के मारे वो बच्चा अभी वो टास्क पूरे करते जाता है, और आखिर में उसको बोला जाता है कि तू सुसाइड कर, और वो आदमी मर जाता है। अब ये जो है, ये दो मतलब अजमेर की लड़की और वो अर्जेंटीना की लड़की, जो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, अब ये बच्चों का उम्र क्या है, खेलने की उम्र है, खेल रहे बच्चे, अपने पढ़ाई कर रहे, जो टाइम मिलता उसके ऊपर व्हाट्सएप खेल रहे, तो इसके ऊपर अभी खेलते खेलते उनको ये अचानक यदि मोमो का आ गया हो इन्फॉर्मेशन, तो वो खेलना उसमें चालू कर देते। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए एक तो ऐसा है कि कोई भी ऐसा नंबर अननोन आता है और जिसके ऊपर वो लेडी का चेहरा ऐसा है डीपी के ऊपर, तो वो मोबाइल सेव नहीं करना चाहिए, वो नंबर सेव नहीं करना चाहिए। नंबर एक, सेव करने का सवाल ही नहीं आता, सेव नहीं किया और उसके ऊपर जो टास्क दिया है वो टास्क पूरा नहीं करना है। तुरंत अपने माँ बाप को, बच्चों ने इतला करना चाहिए कि ऐसा ऐसा टास्क आया हुआ, ऐसा ऐसा मुझे ये दिख गया। माँ बाप ने बीच बीच में देखना चाहिए कि भाई ऐसा कुछ टास्क बच्चे कर रहे क्या, ऐसा कुछ अपने मोबाइल पे खेल रहे क्या, और वो टास्क पूरा कर रहे क्या। फिर वो नंबर भी आप ब्लॉक कर सकते हैं, ताकि उसके ऊपर आगे बार बार कोई टास्क आएंगे नहीं, तो नंबर ब्लॉक करना भी ज़रूरी है, और साइबर पुलिस को इन्फॉर्मेशन करना ज़रूरी है। अभी ऐसा क्यों होता है? नंबर एक,
कि पालक जो है ना, माँ बाप बहुत अभी बिजी हो गए, अपने कामों में बहुत बिजी है। एक तो बच्चों को मोबाइल दे दो ताकि वो उसमें बिजी रहेंगे, अपने को तकलीफ देंगे नहीं, इसलिए वो बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। कुछ मोबाइल देते हैं तो उसके बारे में बात क्या करना, मोबाइल कैसा वापरना, कौन सी चीज़ें देखना कौन सी देखना नहीं, ये बता देने, उनको मालूम ही नहीं क्या बताने का है। कुछ पालक बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं और वो बिल्कुल ऐसा डिसिप्लिन लगा देंगे क्या देखना क्या नहीं, तो फिर बच्चे चुरा चुरा के देखेंगे। कुछ पालक जो है वो बच्चों के मोबाइल चुरा चुरा के खुद देखेंगे चोरी करके कि क्या चल रहा है। तो ऐसे इसमें क्या होता है कि सब ऐसा मतलब एक वातावरण जो हो जाता है कि जिसमें शक है बच्चों को इनसिक्योर लगता है पालकों से कि नहीं कुछ तो भी देख लेंगे मेरा, मैं क्या कर रहा हूँ। बच्चे भी करते रहते कुछ ना कुछ गड़बड़, पालक भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते, एक दूसरे के मोबाइल देखते नहीं है, उसमें क्या चल रहा है वो मालूम नहीं है। देखो बच्चों को आप मोबाइल लेके देते हैं तो बच्चों को सिखाना भी चाहिए कि मोबाइल में क्या देखना क्या देखना नहीं। हम रास्ता पार करने के लिए बच्चों को सिखाते, मॉल में ले जाएंगे तो बच्चा के घूमना नहीं चाहिए ताकि उसको उसका हाथ पकड़ के लेके जाते, मगर हम बच्चों के साथ में संवाद नहीं करते कि ये जो चीज़ें हैं अभी सोशल मीडिया की, इसका कैसा वापर करना चाहिए। तो यदि बच्चों को हम सिखाते, बच्चों को जो अभी क्या हो गया कि काफ़ी सारी स्पर्धा है, मार्क्सवादी बन गए, मार्क 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 होना, अभी मार्क्स होना उसके साथ साथ अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें अपियर करो, उसके एग्ज़ाम दो, उसके लिए दौड़ो दौड़ो चालू है बच्चों का। तो इतने टेंशन में फिर बच्चे ने एक आधी बार मोबाइल मांग लिया या उसने बोला कि मुझे मोबाइल होना है, मोबाइल पे से मुझे कुछ उतारने का है, गूगल में से मुझे कुछ लेने का है, तो बच्चों को मोबाइल दिया जाता है। तो मोबाइल देके होगा नहीं, बच्चों के ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है, बीच बीच में बच्चों का मोबाइल देखना ज़रूरी है। बच्चा यदि अपने कमरे में बैठ रहा है और मोबाइल बहुत ज़्यादा खेल रहा है तो वो देखना ज़रूरी है। एक अभी सर्वे किया है उसमें मालूम पड़ा कि 8,500 करोड़ घंटे पिछले 3 महीने में लोग व्हाट्सएप पे थे, ये दुनिया के मतलब 730 करोड़ लोग 8,500 करोड़ घंटे व्हाट्सएप के थे। मतलब वो हिसाब से हमने देखा तो पिछले 3 महीने में करीब करीब हर व्यक्ति 11 घंटे व्हाट्सएप के ऊपर था। अब देखिए कितना व्हाट्सएप का वापर अभी हो रहा है और लोग कितने उसमें अंदर घुस गए कि क्या क्या कंटिन्यूसली लोगों का देखना चालू है व्हाट्सएप के ऊपर, और फिर उसकी लत लग जाती है, व्हाट्सएप देखे बिना चलते ही नहीं लोगों को। तो बच्चों को यदि हम देखेंगे, बच्चों के ऊपर कंट्रोल करेंगे, बच्चों को बताएंगे क्या देखना नहीं है, और ऐसा कुछ अननोन कोई नंबर आता है, कोई मैसेज आता है, कोई चित्र आता है, तुरंत ब्लॉक करना जरूरी है। नहीं तो ब्लू व्हेल गेम के बारे में हमने पहले वीडियो बताया हुआ है, ब्लू व्हेल गेम में ऐसी था कि आखिर में सुसाइड बच्चे करते थे, इसमें भी यही हो रहा है, बच्चों के जीवन के साथ में हम खेल रहे, उनकी मृत्यु हो सकती है, हो सकता है कि आपका बच्चा भी इसमें कब अंदर घुसेगा मालूम नहीं। तो हर पालक को मेरी इस रिक्वेस्ट है कि उन्होंने बच्चों को मोबाइल देने के पहले उनको शिक्षित करे, उनके ऊपर नज़र रखे क्या कर रहे क्या नहीं, ताकि एक गेम के आदि बच्चे होंगे नहीं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो हमारे चैनल को, और बेल आइकॉन जो आता है उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। हमारा जो मकसद है वो सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत है, आपका हाथ इसमें लग जाएगा यदि आप शेयर करेंगे तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।